सेकंड में पहले 150 तक ऊपर जा रही है। दबा पंजा। यार फकिंग हेल, बवाल चीज है यार। भैया गुड मॉर्निंग है आप लोगों को। एक गुड मॉर्निंग गाइस बोल दूं। और भाई एक चीज, इस आईपीएल में चाहे ट्रॉफी कोई भी जीते, आप घर बैठे बैठे एक ब्रांड न्यू एसयूवी कार जीत सकते हो। कैसे? तो वीडियो पूरा देखते रहना। भाई तो सुबह सुबह अपनी नींद खुल गई थी क्योंकि किसी का फोन आ गया था और फिर उसके बाद मुझे नींद आई नहीं, रात में काफी लेट हो गया था। तो अभी बैठ के करते हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अभी निकलूंगा तब फिर आपको बताऊंगा। ब्रेकफास्ट में दिखा देता हूँ क्या है, रुको कैमरा पलटू। ब्रेकफास्ट में ये है पपाया, ये है आटे का लड्डू, हाँ कुछ ऐसा ही है। इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत सारे और ये शुगर फ्री है और ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, हाँ काजू किशमिश अखरोट, अखरोट तो दिख नहीं रहा है, चलो काट देना एडिटिंग में। भाई हमें गाड़ी के लिए चाहिए था माइक्रोफाइबर क्लोथ और मैं तो बहुत सारा मंगा के रखता हूँ ना, तो ये यहाँ पे एक दो ये दो काफ़ी है। भाई ये है इसका माई BMW ऐप और इसमें ना हॉर्न वॉर्न सारी चीज़ें, ना गाड़ी शायद स्टार्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती है पता नहीं, बट अनलॉक हो सकती है, लाइट जल सकता है, हॉर्न बज सकता है। और ये क्या है, दी वॉन्ट वेंटिलेशन, नाउ वेंटिलेशन ऑन कर देते हैं भाई गाड़ी का, देखते हैं। भाई ये तो ऑन हो गया, ये देखो ये पंखा घूम रहा है, ये तो ऑन हो गया, तो अभी देखना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है। बहुत जगह गाड़ी स्टार्ट भी होती है लेकिन स्टार्ट नहीं हुई है, वेंटिलेशन तो ऑन हो गया। एक बार चल के देखते हैं कि मैं ये एक्चुअली बेसिकली ना दो तीन चीज़ें, चश्मा निकालना था और एक तार निकालना था। ओ भाई ये सही में ऑन है, हाँ हवा आ रही है इससे, बट गाड़ी ऑन होने का भी ऑप्शन होना चाहिए यार। एसी ऑन करना है, वेंटिलेशन से क्या होगा भाई, गर्म हवा तो गर्म ही हवा है। शीशा अगर खुला नहीं तो क्या फ़ायदा वेंटिलेशन का, अंदर से तो सनरूफ वगैरह तो सारी चीज़ें बंद ही हैं, कहाँ से। अच्छा मतलब हो सकता है रीसर्कुलेशन मोड पे ऑन हो। एक चीज़ जो मैं हटाना भूल गया था, देखा ये तो पन्नी वन्नी अपने को अच्छा नहीं लगता भाई, इसका पता नहीं स्क्रीन गार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है। XUV700 थी उसका तो स्क्रीन गार्ड अमेजोन पे था, मैंने कोशिश किया अमेजोन पे सर्च करने का बट इसका नहीं मिला भाई। हाँ जी तो इसमें हमने लगा दिया है ये जो अपना विंडशील्ड का स्टैंड होता है ना, वो लगा दिया, मेरे पास एक्स्ट्रा था, मैंने एक्चुअली पहले ही मंगा के रखा था ट्रिप के दौरान ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके पास ये स्टैंड ना लूज़ हो जाता है, टूट जाता है, तो उसके हिसाब से मैंने पहले ही मंगा के रख लिया था। ये वाला व्यू सही है, यहाँ से आपसे बात भी कर सकते हैं और दूसरा, अरे यार यहाँ से आपसे बात भी कर सकते हैं और दूसरा ड्राइविंग पे भी कंसंट्रेट कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे वैसे गड़बड़ा जाता है तो उसको इग्नोर करना। चलो चलते, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब उसके बिना तो कोई भी रोड ट्रिप सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आज अपन वो लेने जा रहे हैं अभी। तो जी अभी सबसे पहले अपन अभिषेक भैया के पास चले, क्योंकि जब से गाड़ी ली है ना उनसे मिले नहीं है, तो अभी उनको मिल के उनको गाड़ी दिखाते हैं। भाई अपने जो करीबी लोग हैं ना, मतलब अभिषेक भैया से तो मैं इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, जब मेरे पास फोर्ड फीगो होती थी ना तब से अभिषेक भैया ना मेरी गाड़ी की मरम्मत और देखभाल और बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। चलो भाई अभिषेक भैया को तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हो कि SUV कार। 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल को मैच है T20 लीग का, कोलकाता वर्सेस बैंगलोर। सो भाई मैच से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्किल ऐप को और अपनी टीम बनाओ। अब आप पूछोगे माई 11 सर्किल ही क्यों, तो भाई बाकी एप्स के कंपैरिजन में इसमें कंपटीशन बहुत कम है, प्लस आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा। डिलाइट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और फर्स्ट प्राइज में जीतो एक ब्रांड न्यू चमचमाती हुई SUV कार। और टूर्नामेंट के हर मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जहां पे सेकंड प्राइज है 1 करोड़ रुपए, तो सोचो फर्स्ट प्राइज कितना बड़ा होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है, वहां से जाके अभी डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड Explore23 यूज करो और पाओ अपने डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश। प्लस इतना ही नहीं,
आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस कैश। तो मेरे भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी जो मैंने लिंक दिया है उससे जाके डाउनलोड करो माई 11 सर्किल ऐप को और अपनी टीम बनाओ कोलकाता वर्सेस बैंगलोर मैच के लिए। ऑनेस्ट ओपिनियन दो भैया, कैसी लगी इंटीरियर? अभी तो आपको दिखाएंगे, आपके पास तो इतनी सारी BMW और ये सारी आती है, मतलब इसका इंटीरियर एकदम अलग है ना। हाँ, अलग है। ये लेटेस्ट वाला है ना जिसमें लंबा स्क्रीन आ जाता है और बाकी अभी आप कह रहे थे ना पिकअप, अभी दिखाते हैं थोड़ा सा जगह मिले बस, हल्का सा जगह मिले और हम ब्लू मोड से चेंज होके रेड मोड पे आए। क्या मजा आया भैया, बहुत जबरदस्त। अभी 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 ये देखो धड़कने बढ़ा देगी ये तो। हाँ धड़कने पिकअप तो इसके क्या था, मजा आया बहुत 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 मजा आया। इसके लिए तो थोड़ा रोड ही नहीं है यहाँ तो, रोड ही नहीं है बिल्कुल, इसको चाहिए बिल्कुल खुला। हाँ इसको चाहिए बिल्कुल खुला जगह है। ये देख 140-150 ऐसे पहुंच रही है। अब स्पीडो पे नहीं देखोगे ना, पीछे सीट पे झटके मारती है। इसके लिए तो ये रास्ता नहीं है। हाँ रास्ता नहीं है ना। सिर से टकरा रहा है ना, सिर से टकरा रहा है, झटके मार रही है ना। हाँ जैसे ही पंजा रख रहे हैं ना स्पोर्ट्स प्लस पे तो ये ब्रेक मारना पड़ जा रहा है मेरे को। हाँ सेकंड में पहन जो 150 तक ऊपर जा रही है। लेकिन मजा आ रहा है ना। हाँ मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। भाई पूरा मजा है भाई, इसका पूरा मजा है और जो ग्रिप और हैंडलिंग है ना वो तो अलग नेक्स्ट लेवल है। और गाड़ी की जो आवाज बेचारी क्या कर रही है, खुल के नहीं चल भाई, गाड़ी आ जा रही है बीच। कैसा लगा भैया जगह? बहुत बढ़िया भैया। हाँ बहुत बढ़िया, जो हमने पहले देखा था उससे अच्छा है, उससे अच्छा है भाई। हमने अभिषेक भैया के साथ भी एक जगह देखा था, अभिषेक भैया ने बहुत दिन खोज के वो जगह निकाला था, वो भी अच्छा था, बट अभी जो हमने फाइनल किया है ना तो वो उससे एक लेवल ऊपर ही है, एक लेवल ऊपर है। हाँ। और हमें उससे ज्यादा जगह भी मिल गई, उससे ज्यादा जगह मिल गई, जो हमारा प्लान है ना प्रॉपरली मतलब नेक्स्ट लेवल टाइप का काम होगा, नेक्स्ट लेवल। अभी 2 महीने ना इसमें बहुत मेहनत लगेगी, बाकी एक बार सारी बिल्कुल मैं तो सारी स्क्रैच से, कल भी आया था मैं, कल 2.5 महीने बाद ही मतलब। हाँ उसके बाद तो जो रिवील होगा ना तो आप भी बोलोगे विकास भाई अलग चीज कर दी ना। तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि पूजा तो हमने कर ली, यहाँ पे देखो माता की चुन्नी, जो मैं एक्चुअली रांची गया था ना तो वहां से देवरी माता से मैं चुन्नी लेके आया था, तो माता की चुन्नी भी लगा दी। लेकिन हमारे सारे गाड़ियों में ना गणेश भगवान रहते हैं और वो थार में XUV700 में फॉर्चुनर में मतलब हर जगह ना गणेश भगवान रहते हैं जो हमारी रक्षा करता है, ऐसा मुझे लगता है। आई रिमेम्बर करेक्ट, शायद यही शॉप है, यहीं पे है, बट गाड़ी की पार्किंग कहाँ है भाई? मुझे लगा था कि अभी इस टाइम पे ना पार्किंग मिल जाएगी, शाम के टाइम पे भीड़ रहती है, बट ना ना मेरा अंदाजा गलत था। यही लगा दे क्या? हाँ यही लगा देते हैं भाई। जो अपने को चाहिए था यहाँ पे तो मिला नहीं, यहाँ पे कुछ था ही नहीं एक्चुअली। जब मैंने देखा था ना तब तो था, अब नहीं है, ठीक है तब था अब नहीं है, तो भैया की क्या गलती? भैया को थोड़ी ना पता था कि मेरे को वापस से चाहिए होगा। यहाँ लगा दो कैमरा भाई, ये वाला ना सही नहीं, देखो कितना हिल रहा है, ये हिल रहा है, वापस से मंगाना पड़ेगा यार, दूसरा मंगाना। ये एक्चुअली आई थिंक आई एम यूजिंग द ओल्ड वन। अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो भगवान जी घर लेके जाने हैं, मतलब गाड़ी में आज तो भगवान जी स्थापना करके ही जाना है। तो अभी अपन जाएंगे MG रोड, वहां से ना एक मॉल है, वहां पे एक शॉप है जो मैं जानता हूं, वहां पे एक बार ट्राई करेंगे, वहां पे शायद अपने को ऑप्शन मिल जाए। बाकी फाइबर में वो फाइबर, ये क्या है?
अच्छा ये मार्बल है, मार्बल डस्ट। ओके मार्बल डस्ट। भाई मेरे को ये वाले गणेश जी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये वाले और भी ऑप्शंस हैं बट थोड़े से बड़े हैं, ये भी एक्चुअली बड़े हैं, छोटे ऑप्शंस भी हैं बट ये वाले सीरियसली बहुत खूबसूरत है यार, बहुत डिफरेंट हैं। अदरवाइज मेरे को ब्लैक चाहिए था, ब्लैक में शंकर भगवान मतलब आदियोगी, और यहाँ पे छोटे से थोड़े से ऑप्शन है बट ये एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है। भाई अपना हो गया, 2 मिनट लगा क्योंकि मुझे शॉप पता थी, और शॉप पता रहने से भाई आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शॉप तो मुझे वहाँ भी पता थी जहाँ पहले गया था, बट वहाँ पे ऑप्शन नहीं थे यार, ऑप्शन नहीं थे तो मैंने कहा चल, क्योंकि एक बार गणेश भगवान लग जाएंगे ना तो फिर गाड़ी के साथ ही रहेंगे। इस डैशबोर्ड के साथ प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा बट इस डैशबोर्ड का डिज़ाइन ऐसा ना कि भगवान जी लगाएगा वही नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे तो ऐसे टेढ़ा है, नहीं टेढ़ा नहीं, यहाँ पे भी ऐसा टेढ़ा है, कर्व है, यहाँ पे HUD है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, बट ये एकदम HUD मतलब बेसिकली हेडसअप डिस्प्ले जो है ना वो शायद हैम्पर हो, यहाँ पे ऐसे लगा सकते हैं इस पे यहाँ पे, बट मैं सोच रहा हूँ भगवान जी को ऐसे सेंटर में इसके ऊपर जो ये वूफर है ना उसके ऊपर ऐसे लगाऊं, ये सही रहेगा सेंटर में। लो जी हो गई स्थापना, यहाँ पे लगा दिया और थोड़ा हाइट है ना तो इससे ऐसे दिख भी रहे भगवान जी। चलो भैया अब चले यहाँ से घर, बहुत तेज भूख लगा है ना। आ गए जी हम वापस घर, जो काम के लिए निकले थे वो हो गया, एक और काम था जो मैंने दिखाया नहीं कैमरे पे। हाँ भाई मैं जस्ट आया और फिर से निकल रहा हूँ, चल भाई बेटा अभी आ रहा हूँ तुरंत। करण का फोन आ गया, करण एक्चुअली मैंने मिलने का प्लान था लेकिन ये था कि शाम में मिलेंगे। दबा बन जा, यार fucking hell मैनुअल पे तो साला शिफ्ट अप भी नहीं करेगा जब तक आप करोगे नहीं, जैसी पंजा रखे भाई मैं बोलू ना उस दिन मुझे चक्कर आ गया, मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसी तैसी कराए इसकी एवरेज एवरेज तो कमी रहेगी भाई, चाहिए नहीं भाई एवरेज के लिए तो, हाँ चाहिए ही नहीं भाई जो आवाज आ रही है ना जो पावर साथ, मैं कसम से बता रहा हूँ इसमें कोई जरूरत ही नहीं है भाई। पता है मेरा ना 150 के बाद पंजा छूट जा रहा है इसमें, डर के मारे छोड़ना पड़ेगा। हाँ मैं डर जा रहा हूँ यार, छोड़ना पड़ेगा। और पता है 150 पे भी ना ऐसे जा रही है यार उसके जुरुक, मतलब ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, मैं सोच भी नहीं पा रहा क्योंकि C300D में 200 लेके गया हूँ जब मैं गाजियाबाद मेरठ जा रहा था, उसमें नहीं पता चल रहा था, और उसमें तो पावर कुछ भी नहीं है, ये तो साला इसमें तो कुछ, ये बहुत छोटा है रास्ता इसके लिए, जरूरत नहीं है वो खुद ब खुद करेगी, बवाल चीज है यार। EQS भाई सही में इलेक्ट्रिक मत लेना, मैं बता रहा हूँ आवाजें चाहिए हमें, आवाजें के बिना फील नहीं आती इसमें आ रही है सारी। भाई इंजन तो हर्ट है, अगर हर्ट ही नहीं होगा मोटर रहेगा तो वो फील नहीं आएगी यार, क्या स्टेबल है यार। बस थोड़ा सा ध्यान से भाई, नहीं अभी मैं टर्न करी कुछ फील ही कुछ नहीं फील होगा भाई। तू भाई आदमी इतना बड़ा कैमरा लेके ना, मैं पहले ना गाड़ी में मेरे को बोला कैमरा पकड़, मैंने वो पागल है क्या, न्यूज़ वाले बैठे हैं। सुन तो मैं क्यों डरा पता है, मैंने कहा इतना बड़ा कैमरा शीशे पे लगेगा ना तो शीशा नहीं मेरे मुंह पे लगे तो कोई टेंशन नहीं है भाई, नहीं नहीं शीशा देखो अगर मान लो ऐसा कर रहे हो तो झटके मारो। हां एग्जैक्टली लेंस में नाक घुस गई। हां मुझे पता चल गया तू सो रही थी देखो, अदरवाइज यहाँ पे भागती है कितनी गहरी नींद में सो रही थी, आज तेरे को गाड़ी की आवाज नहीं आई बेवकूफ। वीडियो खत्म करने से पहले मैं बता दूं कि माई 11 सर्किल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में, वहां से जाके डाउनलोड जरूर कर लेना और अपनी टीम बना लेना ताकि आपको मौका मिले जीतने का एक ब्रांड न्यू SUV, और ये मौका मिलेगा आपको डिलाइट कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने पे, प्लस मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके आपको मौका मिलेगा जीतने का 1 करोड़ रुपए इन सेकंड प्राइस। तो सोचो फर्स्ट प्राइस कितना बड़ा होगा, एंड इतना ही नहीं 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट एंड 1500 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस भी। डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिलेगा।